किसी का जमीन का डिस्प्यूट है तो किसी की शिकायत है कि केस में गिरफ्तारी नहीं हुई है। जमीन पर अवैध कब्जा हो, अपराधियों की दबंगई या फिर थाने में फरियाद की अनसुनी करना। एसएसपी बाबूराम के संज्ञान में मामला आया तो गाज गिरनी तय है। पिछले 10 दिनों में जिस तरह से भागलपुर में एक्शन हुए हैं उससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। वहीं फरियादियों के मन में न्याय की उम्मीद भी जगी है। जब एसएसपी खुद लोगों की शिकायतें सुनने के लिए अपने कक्ष से बाहर आ गए, इस दौरान ऑफिस के बाहर ही खड़े होकर बाबूराम ने कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए समय सीमा के भीतर संबंधित एसएचओ को आवश्यक आदेश निर्देश दिए। वहीं आईपीएस बाबूराम का ये रूप देखकर कोई हक्का बक्का था। बता दें कि बीते 3 जनवरी को भागलपुर जिला की कमान बाबूराम ने संभाली है। अपनी जिम्मेदारी संभालते ही एसएसपी ने साफ कर दिया था कि वे जिले में बेटा और अभिभावक बनकर काम करेंगे ताकि लोगों के मन में पुलिस की छवि और बेहतर बन सके। एसएसपी का मानना है कि अगर पुलिस अच्छा व्यवहार करेगी तभी आम जनता का उन पर भरोसा होगा। इन्हीं बातों को लेकर एसएसपी एक्शन में दिख रहे हैं। वहीं दफ्तर में सभी फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद पुलिस कप्तान ने खुद फोन कर बात कर संबंधित थानेदार को समस्याओं के निदान करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इधर एसएसपी के दरबार में इस मामला आते ही उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। बाबूराम का सीधा संदेश है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। शायद यही वजह है कि वरीय पुलिस अधीक्षक जांच के साथ सीधे कार्रवाई के लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। भागलपुर एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि थानेदार को गश्ती गाड़ी पर बैठकर सिर्फ भ्रमण करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गाड़ी से नीचे उतरना होगा। वाहन चेकिंग संदिग्धों को देखते ही दबोचने और बाजार हाट पर पैनी नजर रखनी होगी, तभी अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। एसएसपी बाबूराम ने कहा कि छोटे विवाद ही कई बार बड़ी घटना का कारण बन जाते हैं, इसलिए ऐसे विवादों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को थाना में जनता दरबार लगाकर विवादों को सुलझाने का निर्देश एसएचओ को दिया गया है।